गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अगर कोई लाइव है और मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज बताएं। अगर कोई लाइव है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज बताएं। आपके कमेंट बॉक्स मुझे दिख नहीं रहे हैं, प्लीज। क्लियर क्लियर, थैंक यू थैंक यू राहुल जी, थैंक यू गफार अली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आज एक विशेष लाइव मैं आपके बीच में लेके आया हूं। और बहुत दिनों से मैं बिल्कुल न्यूट्रल था, किसी भी टॉपिक पे मैं बोल नहीं रहा था। बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आ रहे थे कि सर आप लाइव नहीं आ रहे हैं, आपकी कोई पोस्ट नहीं आ रही है। तो मैंने कुछ लोगों के फोन मेरे पास आए, मैंने उनको रीजन बताए कुछ कि भाई मैं क्यों लाइव नहीं आ रहा हूं और क्यों मैं लाइव नहीं आना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने बोला कि ओके लाइफ केयर के प्लान को लेके आपके क्या रिव्यू हैं। तो मैंने उनको कुछ बताया अपने बारे में कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। और मैंने, जैसे कि आपको मालूम है, मैंने कल का एक पोस्ट भी डाला था परसों का कि मैं लाइव आके ओके लाइफ केयर के प्लान का रिव्यू करूंगा, लेकिन वो रिव्यू मैंने नहीं किया। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न है दोस्तों, और मैं लाइव आना नहीं चाहता था बिल्कुल, लेकिन आज मुझे फिर मजबूर किया गया लाइव आने के लिए। और माफी चाहूंगा ओके लाइफ केयर के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो आज मेरी इस लाइव को देख रहे हैं, उनके लिए आज एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। और हो सकता है कि आप मुझे बुरा भी बोलें, मुझे गालियां भी बकें, तो उसके लिए मैं तैयार हूं। और वो आपका अधिकार है, मेरा जो अधिकार है मैं कर रहा हूं, आपका जो अधिकार है वो आपको करना है। पिछले एक महीने से ओके लाइफ केयर के अंदर प्लान चेंज की बात चल रही है, बल्कि एक महीने से नहीं चल रही है। आज मैं आपको एक छोटा सा खुलासा करता हूं। आपने हमारी सबकी पोस्ट देखी होगी, जितने भी कंपनी के टॉप लीडर्स हैं, 1 अप्रैल को वाकई हम लोगों का सबका 1 अप्रैल मना था, अप्रैल फूल मना था मैं ये बोलूंगा। 1 अप्रैल को मिस्टर डी के सहारान, जो ओके लाइफ केयर कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने हम सब लोगों को इन्वाइट किया था हेड ऑफिस के अंदर। और हम लोग जब हेड ऑफिस के अंदर गए तो वहां पे 13-14 घंटे मीटिंग चली। उस 13-14 घंटे में जब वहां पे हम लोग उस कैबिन में जाके बैठे, तो डीके सारान सर के सबसे पहले जो शब्द थे, मैं बता देता हूं आपको, वो शब्द सुन लीजिएगा ध्यान से। और वहां से मैं बिल्कुल ये सोचने में मजबूर हो गया था कि मैं इस कंपनी को करूं या ना करूं। जब उन्होंने वो शब्द बोले तब मैं नेगेटिव हुआ था, लेकिन बाद में जो 12-13-14 घंटे बात हुई फिर मैं पॉजिटिव हो गया था। उनके सबसे पहले शब्द ये थे कि हमें ओके लाइफ केयर का मार्केटिंग प्लान चेंज करना पड़ेगा। और ये बात आपने सुना भी होगा, 1 तारीख को जैसे ही रात को 2-2.5 बजे हम लोगों ने अपनी पोस्ट डालने स्टार्ट की कि अब धमाका होगा, अब बदल जाएगी दुनिया, अब एक कदम और है ओके आगे, ये सब कुछ हमने जब डालना शुरू किया तो लोगों के हमारे पास फोन आने शुरू हो गए, सर क्या बदला हुआ। तो डीके सारन के सबसे पहले शब्द थे उस वक्त कि मुझे ये मार्केटिंग प्लान चेंज करना पड़ेगा। जब हमने रीजन पूछे तो उन्होंने एक ऐसा रीजन दिया जो बच्चों वाला रीजन है, बच्चों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, समझदार इंसान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और उन्होंने जो रीजन दिया वो दिया कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर मुझे अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना है। और हमने हर तरीके से, शब्द टू शब्द बता रहा हूं मैं आपको, हमने हर तरीके से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार बोल रहे हैं आपका प्लान बाइनरी है, आपका प्लान 2 लाख का है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। और मुझे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में अपनी कंपनी को लेके जाना है सो दैट मैं इस कंपनी के प्लान को चेंज कर रहा हूं। हमारे लिए बड़ा शॉकिंग न्यूज था, लेकिन उनके सामने जब सवाल जवाब लोगों ने किए और उन्होंने जब प्लान बताया कि आगे क्या प्लान होने वाला है, तो उन्होंने जो कारण बताया, और उन्होंने सबसे बड़ा कारण ये बताया कि ओके लाइफ केयर के बारे में आईडीएससी का जो कहना है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो कहना है,
वो ये कहना है कि 2 लाख का प्लान जो है वो इलीगल प्लान होता है, और हमने हर तरीके से विक्रांत जी और हमारी 5-6 मीटिंग हुई है, हमने हर तरीके से उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। वहां कुछ लोगों ने सवाल भी किया कि सर हमने पहले आपने 2 लाख का बोला था कि इलीगल नहीं है, उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब मुझे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एमवे के जो लीडर्स हैं, एफएलपी के जो लीडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी वाले लीडर हैं, उनको आप और हम जितना भी समझाते हैं वो हमारी कंपनी के अंदर नहीं आते। ये जितने आपके बड़े बड़े लीडर हैं ये बात नहीं बताएंगे आपको, और किसी को प्रूफ चाहिए तो मुझसे मिल लेना कि मुझे एमवे के लीडर्स चाहिए आप, मुझे एफएलपी के लीडर्स चाहिए आप, मुझे इंटरनेशनल कंपनी के लीडर्स चाहिए, और इंटरनेशनल कंपनी के जो भी लीडर हैं वो 2 लाख के प्लान को देखते कहते हैं ये इलीगल प्लान है, बाइनरी प्लान है, तो मुझे करना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने एक प्लान दिखाया, कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, बैठे बैठे उन्होंने दूसरा प्लान दिखाया, कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, बैठे बैठे उन्होंने तीसरा प्लान दिखाया, कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, और 14 घंटे इधर से निकालो, इधर पैसा डालो, इसको कम करो, इसको डालो, इसको कम करो, इसको डालो। दोस्तों 14 घंटे के बाद लगभग 99% लीडरशिप तैयार हो गई, एक बहुत ही खूबसूरत प्लान बनाया गया जिसमें नीचे वाले को भी पैसा था, जिसमें बीच वाले को भी पैसा था, और जिसमें ऊपर वाले को भी पैसा था। वो प्लान मेरे पास लिखा हुआ है, मैं अगले लाइव के अंदर आऊंगा कि वो प्लान क्या था जो इन्होंने नहीं बनाया। एक लीडरशिप इनकी तैयार नहीं थी और उसका मैं नाम आज आपको बता देता हूं, उसका नाम है विक्रांत सिंह और केएस बाजवा। केएस बाजवा ने वहां पे बोला था मैं आपके इस प्लान से ना खुश हूं क्योंकि आप फ्लैगशिप बंद कर रहे हैं, आप कंसिस्टेंसी बंद कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम टूट जाएगी। वहां पे डीके सारंग के ये शब्द थे कि ये प्लान तो लॉन्च होके रहेगा और जिस व्यक्ति को ये प्लान पसंद नहीं है वो कंपनी छोड़ के जा सकता है, 1 महीने में उससे बड़ी लीडरशिप लाके मैं खड़ी कर दूंगा, क्योंकि 99% लीडरशिप तैयार थी। हमने पूछा सर इसको किस तरीके से बताया जाए, तो उन्होंने कहा कि अभी एकदम पूरा प्लान तो आपको नहीं बताना है, अभी सॉफ्टवेयर में हम कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में इसको लॉन्च करेंगे, थोड़ा थोड़ा आप अपनी टीम के अंदर हिंट दे सकते। मैं अगले लाइव में आपको बताऊंगा इस कंपनी में एक ही काम हुआ है, हर 3 महीने में बिजनेस डाउन गया, 3 महीने बाद ये भाई सब लाइव आते हैं, लाइव आके ये कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलते हैं, लीडरशिप को इकट्ठा करते हैं और फिर 3 महीने का टाइम मांगते हैं कि बिजनेस बढ़ जाएगा। उस दिन भी इन्होंने यही किया कि लीडरशिप को एक ऐसा बेहतरीन प्लान बताया कि हम लोग अपनी पूरी ताकत से लग गए। मैं गुजरात टीम गया, मैंने कई जगह का टूर बनाया, हर जगह हमने एक ही बात बोला, अब बहुत बढ़िया होने वाला, बहुत बढ़िया होने वाला है। 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को किसी दूसरे लीडर से पता लगता है कि अब ये प्लान चेंज नहीं होगा, जो एग्जिट प्लान है ये चलेगा, जैसे ही माहौल बना वही प्लान चलेगा। अब आप कह रहे हो कि ये बात आज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो सबसे पहले वो लाइव आने का रीजन मैं आपको बता देता हूं। अभी लगभग 1.5 घंटे पहले मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिस्टर नितिन चांदना जी का एक मैसेज आता है कि आपकी आईडी सीधी बातें कर रहे हैं, इस वजह से मतलब कोई उनके पास बढ़िया जवाब नहीं था, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बोला। एक्चुअल मैं बताता हूं कि मेरे जी तो मेरे पास बहुत सारे लीडर्स के फोन आए, कि सागर सेना का मेरे पास फोन आया, डीके खंडेलवाल जी कई बार मुझे फोन कर चुके हैं, और बहुत सारे क्रॉस ग्रुप के मेरे पास फोन आए कि अजय जी आपका इस प्लान को लेके क्या विचार है। तो मैंने उनसे बोला सर मैं इस प्लान से नाखुश हूं, क्योंकि मैं जिस दिन इस कंपनी में आया था 6 लाख का वेस्टिज कंपनी को छोड़ के आया था, और ये बताया गया था कि 2 लाख जनरेशन प्लान है, तो मैं इस प्लान से खुश नहीं हूं सर, मेरी सहमति बिल्कुल नहीं है, मैं चुपचाप से इस इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा, जैसे कि मैंने वादा किया था, अब मैं कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं करूंगा। मैंने ये रिप्लाई सब लोगों को दिया, इसके अलावा मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, जबकि फोन आया, मैंने किसी को फोन नहीं किया। अगर कंपनी ये प्रूव कर दे कि अजय शर्मा ने किसी को फोन करके बोला है तो मैं गुनाहगार हूं। तो इन्होंने बोला सर आपकी आईडी सस्पेंड की है, 7 दिन में आप हमें बताइए तो आपकी आईडी टर्मिनेट करेंगे। तो मैंने इनको बताया आपको शायद ध्यान नहीं है, मैं तो काफी महीने पहले आपको रिजाइन डाल चुका था आपके बॉस को, और आपके बॉस ने उस वक्त मुझे बोला था कि सर थोड़ा सा आप हमारा साथ दे दीजिए, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, चाहे वो प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर 25-25-30 दिन में प्रोडक्ट पहुंचते थे, थोड़ा सा साथ दे दीजिए सर, उसके बाद हम आपका रिजाइन एक्सेप्ट करेंगे नहीं, उसके बाद आप काम कर लेना। तो मेरा रिजाइन बता देता हूं डीके सारंग सर और नितिन चांदना जी, मेरा रिजाइन ऑलरेडी आपके पास पहले से पहुंचा हुआ सर, उसको एक्सेप्ट कर लेना, ये डराना और ये धमकी किसी और को देना मैं डरता नहीं हूं। तो वो प्लान इन्होंने मना कर दिया कि वो प्लान लॉन्च नहीं होगा। तो यहां पे मैं मेन चीज बताता हूं, उस टाइम भी इन्होंने बोला था, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कहती है 2 लाख का प्लान लीगल है, ये आपको मूर्ख बना रहे हैं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में मैंने मेल किया, उस मेल का रिप्लाई आएगा मैं आपको बताऊंगा। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि 2 लाख का प्लान अगर होगा तो उसके अंदर हम एंटर नहीं करेंगे। इवन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर 2 लाख के प्लान वाली बड़ी बड़ी कंपनी उसके अंदर शामिल है, ये मूर्ख बनाते हैं हम लोग।
उसके बाद हम लोग काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा सर कैसे होगा, नीचे पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरी कंपनियां जो आई सामने उन्होंने नीचे पैसा बांटना शुरू किया। टीम डिस्टर्ब हो रही थी बहुत टाइम से, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे, मेरी टीम से भी कुछ लोग छोड़ के गए, जैसे मुकेश झाजी छोड़ के गए। तो आज मुकेश झाजी को भी मैं बोलना चाहूंगा कि आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया था, लेकिन हम रोक नहीं पाए क्योंकि नीचे पैसा नहीं डाल रहे थे। मुकेश झाजी छोड़ के नहीं जाते, मुकेश झाजी छोड़ के क्यों गए, क्योंकि नीचे पैसा नहीं था। इस वजह से बहुत सारी लीडरशिप ने छोड़ना शुरू किया। अब जाके इन्होंने 9 तारीख को एनएलपी का अनाउंस किया, 9 तारीख को एनएलपी का अनाउंस किया। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि 9 तारीख को डीके सारन सर ने, 1000 लोग थे वहां पे हयात होटल के अंदर, और वहां पे इन्होंने एक मार्केटिंग प्लान लॉन्च किया कि अब हम ये मार्केटिंग प्लान लॉन्च कर रहे हैं। जिस टाइम वो पीपीटी दिखाई गई उस पीपीटी के अंदर भी कमियां थी। मैं गारंटी से देता हूं कि कोई तैयारी नहीं होती, इनकी एट द मोमेंट तैयारी होती है, अचानक तैयारी होती है और तुरंत उस चीज को लॉन्च कर देते। वहां पे बहुत 3 दिन तक किसी लीडर को बोलने का मौका नहीं देते। अब मैं गारंटी दे रहा हूं, अब एसएलपी होगी ना, एसएलपी पे लीडर को बोलने का मौका दिया जाएगा। इनके इवेंट में सिर्फ 3 लोग मिलेंगे, नितिन चांदना, डीके सारन और विक्रांत नारवाल। आज तक मैंने इनके किसी प्रोग्राम में पिछले 2 सालों के अंदर लीडर को सम्मान देते हुए देखा ही नहीं है, लीडर को स्पीच देते हुए देखा ही नहीं है। सबसे पहले स्टेज पे आते हैं, लोगों को डरा देते हैं कि मोबाइल फोन ऑफ कर दो। किस बात का डर होता है आपको सेमिनार के अंदर, कि आप जैसे ही स्टेज पे आते हो लोगों को डराते हो? फोटोग्राफर बनने आए हो, वीडियोग्राफर बनने आए हो, किस बात का डर होता है? आप गौतम बाली जी के बारे में बोला करते थे कि गौतम बाली को डर रहता है कमरे के अंदर, वो मोबाइल फोन आज की डेट में बंद करा के, आपने डाला था ना पोस्ट, वो मिस्टर डीके सारन आपने डाला था ना वो पोस्ट। कल की मीटिंग में नोएडा के अंदर आपने लोगों के मोबाइल फोन क्यों बंद कराए मुझे बताइए, वहां एक लड़का रिकॉर्डिंग कर रहा था, आपने उस रिकॉर्डिंग को क्यों डिलीट कराया मुझे बताइए, अब आपको किस बात का डर लगता है? 3 दिन के सेमिनार में आप लोगों को वीडियो नहीं बनाने देते हो? लोग क्या क्या सपने लेके आते हैं यार, इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं, सेमिनार का वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे लोगों को, क्योंकि वहां पे उस सेमिनार में आप किस तरीके की बातें करते हो ये आप बेहतर जानते हैं। आप कंपनियों की बुराइयां करते हो इनडायरेक्ट वे के अंदर, वो बुराइयां आपके माध्यम से मार्केट में ना पहुंच जाए, इसलिए आप सबके वीडियो बंद कराते। आगे भी देखना, ये व्यक्ति जब भी स्टेज पे आता है सबसे पहला वीडियो सब बंद कर दो, जो भी वीडियो बनाता है उसको निकल जाओ बाहर, उसका वीडियो बंद करा देते हैं और एक तरीके से उसको ठेस पहुंचाते हैं कि वीडियोग्राफर बनने आए हो क्या, सबके मोबाइल वहां पे बंद करा दिए जाते हैं। आज वेस्टिज का इवेंट हो रहा था, 500 से ज्यादा क्राउन डायरेक्टर फेसबुक पे जाके देखिए, सब लोग वहां वीडियो बना रहे थे, गौतम बाली जी की स्पीच वहां पे गई है, किसी ने बंद नहीं कराया। 4 तारीख को इन्होंने एनएलपी में बोला कि हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, इनकी तैयारी नहीं थी, पीपीटी अधूरी थी, जैसी वो प्लान लॉन्च किया 15 मिनट में इन्होंने प्लान समझाया, लोगों को बस एक ही चीज बताई, 25-25 हजार की मैचिंग पे 10 हजार का पे आउट आया, लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, हमने भी कहा चलो देखते हैं कुछ चीजें ठीक हो जाएंगी। उसके बाद हमने कहा सर पीपीटी दे दो, एक हफ्ते तक इनकी पीपीटी नहीं आई, सोनम जी अलग प्लान दिखा रही हैं, अखिलेश जी अलग प्लान दिखा रहे हैं, लाइव जूम के अंदर सोनम जी अखिलेश जी से बहस कर रही हैं, 3, 4, 6, 5, 6, 6, कई लोगों ने इस चीज को देखा। 9 बजे जूम मीटिंग का टाइम देते हैं, भाई साहब 9:45 अखिलेश जी आके मीटिंग शुरू करते हैं। कितने फोन उस दिन मेरे पास आए कि इनका क्या सिस्टम है, इनका क्या कल्चर है, 40 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंचने के बाद, 20 लाख रुपए के पे आउट पे पहुंचने के बाद इन लोगों को इतना सेंस नहीं है कि 9 बजे का टाइम डॉट 9 बजे मीटिंग शुरू होनी चाहिए। क्यों फोन बंद करवाते हो आप? ना सोनम को प्लान क्लियर, ना अखिलेश को प्लान क्लियर। फिर सागर सिन्हा जी का फोन आया, आपका क्या व्यू है? जब मैंने डाला कि मैं इसका ओवरव्यू करूंगा प्लान का, और लीडर्स के मेरे पास फोन आए, मैंने अपना स्टैंड क्लियर किया कि मैं इस प्लान से खुश नहीं हूं और मैं ओके लाइफ केयर नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी किसी डाउनलाइन को फोन करके नहीं बोला, मैंने किसी क्रॉसलाइन को फोन करके नहीं बोला, मैंने सोशल मीडिया पे कुछ नहीं डाला, लेकिन इनको यह डर सता रहा था कि अजय शर्मा अगर अब नहीं करेगा, क्योंकि लोग सवाल कर रहे थे इनसे, पूछ रहे थे अजय शर्मा जी क्यों मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। 2 दिन से लगातार, 3 दिन से लगातार डीके सारन नोएडा के अंदर बैठे हैं। क्यों? आप तो रोहतक बुलाते थे ना लोगों को, 60-80 किलोमीटर दूर बेचारा सवेरे जाता था, रात रात तक वो लोग आते थे, आज 3 दिन से आप नोएडा क्यों बैठे हुए? 12 लोगों की मीटिंग दी है कल आपने, 12 लोगों की मीटिंग दी है कल, कौन थे वो 12 लोग? सोनम के डाउन में जो मेरी डाउनलाइन, उनको फोन कर करके बुलाया जा रहा, और आज की तो स्थिति ये है गुजरात से और पुणे से आपने मेरी कंपनी के लीडर बुलाए, मुझे खबर तक नहीं है, उनके फ्लाइट के टिकट और उनके ट्रेन के टिकट आपने बुक करा के दिए। वाह। तो मैं इस प्लान से खुश नहीं था, मेरा स्टैंड कंपनी को क्लियर था, तो इन्होंने आज मेरी जो आईडी है वो सस्पेंड कर दिया। आज से मेरा ओके लाइफ केयर से कोई लेना देना नहीं है, आज से लगातार एक हफ्ते तक 9 बजे मैं लाइव आऊंगा, और जो भी शुरू से लेके एंड तक इन्होंने प्रपंच किए हैं, एक एक चीज का विद प्रूफ लाइव आके
मैं अपना फेसबुक लाइव पे आपको वो सबूत दूंगा। एक महीना इन्होंने खराब कर दिया। नौ जितने भी ओके लाइफ केयर के लीडर सुन रहे हैं, डाउनलाइन सुन रही हैं, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। 9 तारीख को प्लान लॉन्च हुआ, जो बिजनेस आज लोगों का 12 लाख 20 लाख 8 लाख 5 लाख 4 लाख तक पहुंचता था, आज लोगों की क्लोजिंग कितनी है? सोनम का बिजनेस खोल के देखो, अखिलेश का बिजनेस खोल के देखो, आदित्य कोल का बिजनेस खोल के देखो, सागर सिन्हा का बिजनेस खोल के देखो। पिछले महीनों में जितना बिजनेस नहीं गया उससे बहुत कम बिजनेस इस महीने के अंदर गया। रीजन क्या था? प्लान क्लियर नहीं, पीपीटी नहीं आया, सॉफ्टवेयर तुम्हारा बनके तैयार नहीं है और तुमने ऐसी प्लान लॉन्च करके माहौल बनाने की कोशिश की। अब जब लोगों से ओवरव्यू आना शुरू हो गया, सर नीचे तो पैसा नहीं, हम इस प्लान पे कैसे काम करेंगे, फिर अंदर मीटिंग बैठी और फिर प्लान चेंज हुआ। और कल डीके सारन सर कहते हैं मैं 9 बजे लाइव आऊंगा। नोएडा के अंदर लोगों को बुलाया, 12 लोग मीटिंग के अंदर पहुंचे, 5 बजे का मीटिंग का टाइम दिया आपने, 8 बजे डीके सारन सर रूम के अंदर बुलाते हैं और लोगों से पूछते हैं बताइए जी इस प्लान का क्या क्या ओवरव्यू आ रहा है। कुछ लोगों ने कहा सर आपने कंसिस्टेंसी बंद कर दी, ओके। कुछ लोगों ने बोला सर आपने ऊपर एजुकेशन फंड में कंडीशन लगा दी, ओके। 2-3 ओवरव्यू लेने के बाद सबको नीचे भेज दिया गया और सबको बोले अब मेरा लाइव आप 9 बजे देखना। और अखिलेश जी और डीके सारन सर कमरे में बैठते हैं, अपना लैपटॉप उठाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, उस पीपीटी को चेंज करते हैं। जो 5-7-10 लीडर के ओवरव्यू आए उसको चेंज कर दिया गया और चेंज करने के बाद तुरंत 9 बजे आके बता दिया गया अभी ये प्लान है। मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूं, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे तुम क्यों छोड़ रहे हो। मैं इस कंपनी के अंदर 2 लाख का जनरेशन प्लान देख के आया था और आज ये 1.5 लाख का प्लान कर रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं कि हमारा 4 लाख का प्लान नहीं है। आज भी ये बोल रहे हैं 2 लाख पे काम करो ना, 2 लाख का पैसा, कौन कह रहा आपको 3री-4थी लाख खोलने। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब 3री-4थी लाख खोलने के लिए आप बोल ही नहीं रहे हो तो 3री-4थी लाख आप खुलवा क्यों रहे हो? उसका रीजन मैं बताता हूं। जो अभी सत्यपाल जी और मेरी टीम के डॉक्टर कुमार गौरव झा और सागर सिन्हा जी वगैरह गए थे, आदित्य कौल गए थे, उनके सामने इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा प्लान क्रैश हो चुका है, हम पॉइंट वैल्यू को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से हमें 3री-4थी लाख खोलनी पड़ेगी। और मैं 3री-4थी लाख क्यों खोलूं साहब? उस 3री-4थी लाख खोलने से सिर्फ मुझे एजुकेशन फंड दे रहे हैं आप, उसमें आप एक्टिव बोनस नहीं दे रहे हैं, उसमें आप मेरे को सुपर एक्टिव बोनस नहीं दे रहे हैं, उसमें मेरे को आप कार फंड नहीं दे रहे हैं, उसमें मेरे को आप हाउस फंड नहीं दे रहे हैं, तो मैं पागल हूं? उस लैग को 3री-4थी लाख में अगर मैं किसी आदमी को जोड़ देता हूं, कल को वो लैग अगर बहुत बड़ी हो जाती है तो कंपनी ने किस लिए किया? कंपनी ने 3री-4थी लाख इसलिए खोल दी कि हमारे पॉइंट वैल्यू को सर वो 3री-4थी लाग आपकी मेंटेन करेगी। साहब आपके प्लान को, आपकी पॉइंट वैल्यू को मेंटेन करने के लिए मैं अपना 70% बिजनेस क्यों खराब करूं? मैं अपना 70% बिजनेस क्यों खराब करूंगा? 3री-4थी लाख खोलनी पड़ेगी, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा 3री-4थी लाख खोलनी पड़ेगी। और 3री-4थी लाग हम पागल नहीं है, 3री-4थी लाग खोलने का सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता देता हूं। इस कंपनी में बड़े बड़े लीडर आते थे, हम बड़े प्राउडली बोलते थे, वो बड़े बड़े लीडर बोलते थे मुझे फलाना लीडर के नीचे नहीं जाना, क्योंकि इनकी ये एथिक्स की बात करते हैं। इन्होंने बोला था कि बड़े से बड़ा लीडर होगा वो लेफ्ट राइट आएगा। क्या 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 हम लोगों को तोड़ा। आज मैं जितने भी मल्टीपल लेग वाले प्लान है उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, इस एंटायर इंडस्ट्री से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मैं गुनहगार हूं आपका। मैं तमाम वेस्टिजियन से माफी मांगता हूं कि मैं गुनहगार हूं आपका, क्योंकि हम मल्टीपल लेग में थे। आप सब सही थे, आप चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे कि 2 लाख का जनरेशन प्लान ये व्यक्ति नहीं चला पाएगा, ये व्यक्ति धोखा देगा। आज वो प्लान क्रैश हो चुका है, आज ये मल्टीपल लेग का। दुनिया ओके को कॉपी नहीं कर रही, अब ओके मल्टीपल लेग को कॉपी कर रहा है। और क्यों मल्टीपल लेग हुई आज मैं बताना चाहता हूं। मल्टीपल लेग का सबसे बड़ा रीजन जो है, मैं बिल्कुल लाइव नहीं आता, मैं बता रहा हूं, मैं घर में आराम से बैठ गया था, मैंने अपनी एंटायर लीडरशिप को बोल दिया था मैं चुपचाप इस इंडस्ट्री से आउट हो जाऊंगा यार, तुम्हें जैसे काम करना है, लेकिन आज इनकी सरकत ने मुझे लाइव आने पर मजबूर कर दिया। कल से मिशन चला रहे हैं, मिशन क्लीन, क्योंकि उनको पता लग गया था अजय शर्मा अब काम नहीं करेगा। मैंने मना कर दिया, मैंने परसों सोनम को बोल दिया था मैं ओके लाइफ केयर नहीं करूंगा, मैंने अखिलेश को बोल दिया था मैं ओके लाइफ केयर नहीं करूंगा। जब मैंने अपना स्टैंड अपनी अपलाइन के सामने रख दिया तो आप शांत रहे थे? आप शांत नहीं रहे। अब क्यों इन्होंने मल्टीपल लैक किया सुन लीजिए। जब बड़ा लीडर कंपनी में आता है तो इनकी मजबूरी थी किसी ना किसी की डाउन में डालना, लेकिन अब दोस्त मल्टीपल लैक प्लान हो गया है, तैयार रहिए हेलीकॉप्टर एंट्री के लिए, तैयार रहिए हेलीकॉप्टर एंट्री के लिए। अब जो भी बड़ा लीडर आएगा कंपनी साइड में डालेगी, किसी को मिलने वाला नहीं है। चिल्ला चिल्ला के हम बोलते थे भाई साहब हमारे साथ आ जाओ, मेरी 2 लाख चल रही हैं, आएगा एक लेफ्ट में स्पिल जाएगा, एक राइट में स्पिल जाएगा। अब नहीं जाएगा, अब कंपनी में कोई बड़ा लीडर आएगा सीधा कंपनी के फ्रंट में जाके जुड़ेगा। जब वेस्टिज कंपनी में कोई बड़ा लीडर सोनू शर्मा जैसा जब फ्रंट में जुड़ता था तो आप लाइव आके बोलते थे हेलीकॉप्टर एंट्री होती है,
सोनू शर्मा की क्या हेलीकॉप्टर एंट्री है? हेलीकॉप्टर एंट्री किसको बोलते हैं? ट्री के बीच में किसी की आईडी सेट करना। हम उस टाइम बोलते थे आपको कि सोनू शर्मा की डायरेक्ट एंट्री लगी है, लेकिन नहीं। आज आप अपनी कंपनी में क्यों आपने किया है? क्योंकि आपको बड़े बड़े लीडर की आप एंट्री चाहिए, और वो नीचे नहीं आएंगे किसी के, और उनको आपको फ्रंट में जोड़ना है, और ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। पूरा महीना खराब कर दिया साहब, 9 तारीख से लेके और आज 24-25 तारीख हो गई है। जिन लोगों के पे आउट बनने थे, पुराना ही अगर प्लान रहता, कितने लोगों के पे आउट बनते? क्या मिस्टर डीके सारन मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे? क्या मिस्टर डीके सारन पिछले महीने जिसका जितना टर्नओवर था, उतने टर्नओवर के हिसाब से उनको पे आउट देंगे, जो बेचारे गरीब मेहनत कर रहे हैं? आपका प्लान बढ़िया ना होने की वजह से, आपका समय से प्लान ना लॉन्च करने की वजह से पूरा महीना आपने लोगों को खराब किया। आपके बड़े लीडर ने पूरा महीना लोगों को खराब किया। वो बिजनेस जो डाल सकते थे कंफ्यूजन में, बेचारे बिजनेस नहीं डाल पाए। क्या पूरे महीने का चेक उनके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? अगर है हिम्मत तो सबके अकाउंट में चेक ट्रांसफर करो। आपने उस वक्त भी झूठ बोला कि हमने एडवांस पे आउट दिया। उस वक्त भी मैंने बोला था लाइव आके, ओके ने कोई किसी को एडवांस पे आउट नहीं दिया है, हमारी मेहनत का पैसा दिया। जितना मेरा बिजनेस गया था उसका 50% आपने दिया था, जो बिजनेस ऑलरेडी मेरा जा चुका था उसका 50% आपने लोगों को एडवांस दिया था। ये जो भावनात्मक रूप से आप लोगों को उल्लू बनाते आ रहे हो इतने सालों से, एक हफ्ते पोल फल अभियान चालू रहेगा। दोस्तों मैं सीधी सी एक बात बताने वाला हूं, 3 लाख 4 लाख का 5 लाख का प्लान देख के मैं नहीं आया था, अजय शर्मा 2 लाख का प्लान देख के आया था। अगर मुझे मल्टीपल लेग पे काम करना होगा तो मैं कहूंगा फिर मैं वेस्टिज में ही जाऊंगा, उसके अलावा किसी दूसरी कंपनी के अंदर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे मल्टीपल लेग का ही प्लान करना होगा तो वेस्टिज क्यों नहीं, हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी क्यों नहीं, या अदर जो मल्टीपल लेग जो बहुत पहले से चल रही है, ये तो कल को कह देंगे मल्टीपल लेग में भी दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी समस्या, भैया मैं मल्टीपल लेग क्यों खोलूं जिससे कंपनी की पॉइंट वैल्यू मैच करने के लिए मैं ट्री बनाऊं? मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा उसके अंदर। अभी इनका जीता जागता, चलो ये तो पुराने उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण बताता हूं। एनएलपी में जितने लोग आए थे, ध्यान रखना, ये अपनी बातों से मुकरते हैं एक मिनट में। डीके सारन ने बोला था अगला एसएलपी इतना शानदार होगा, दुनिया देखेगी उस एसएलपी को, और उस एसएलपी में मैं सिंगर्स बुलाऊंगा। सिंगर्स बुला के तो अपने प्रोग्राम में भीड़ इकट्ठी करते हैं, और वहां पे इमोशनल करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए डीके सारन सर ने क्या बोला कि हम वो कंपनी नहीं है, दूसरी कंपनी होती तो जो सिंगर बुलाती है उस सिंगर का नाम देके भीड़ इकट्ठी करती, हम वो कंपनी है, मैं वो सीईओ हूं जो कभी भी सिंगर के नाम पे भीड़ इकट्ठी नहीं करूंगा। और आप ध्यान रखना, बहुत बड़ा सिंगर आ रहा है और मैं अनाउंस नहीं करूंगा बॉडी बिल्डर का बहुत सिंगर आ रहा है, क्योंकि हम भीड़ इकट्ठी करने में विश्वास नहीं करते हैं। आज पोस्टर क्यों वायरल हो रहे हैं जनाब? बी पराग जो सिंगर है, जिसने गाना गाया है तेरी केसरिया फिल्म का जो गाना गाया है, उस सिंगर को आप बुला रहे हैं। आपने तो बोला था कि हम तो सिंगर का फोटो दिखा के भीड़ इकट्ठी नहीं करते हैं, तो आज आपको पता लग गया आपका प्लान क्रैश हो चुका है, लोग मजबूर हो चुके हैं कंपनी को छोड़ने के लिए। तो आज आपने वो पोस्टर रिलीज करवा दिया कि बी प्राश जो है हमारे सेमिनार में आ रहा है। आप तो सर एक महीने में अपनी जवान से पलट गए, तो अब आप भी तो सिंगर को दिखा के सर भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। तो दोस्तों 2 लाख का मल्टीपल प्लान, 2 लाख का प्लान मैं देख के आया था, मल्टीपल लाख का प्लान देख के नहीं आया था। इन लोगों ने मल्टीपल लाख का प्लान किया है, आज मैं पूर्णतया ओके लाइफ केयर को क्विट कर रहा हूं। और मैंने अभी आपको बात बताई, एक भी लीडर को अगर मैंने फोन करके बोला हो कि भाई कंपनी बेकार है, मैंने अगर फोन करके बोला हो तो बात करो। इनके मिस्टर डीके खंडेलवाल जी, कितने फोन आए उनके मेरे पास कि सर इतना गड़बड़ हो रही है, सर सोनम जी से बात करते हैं, अखिलेश जी से बात करते हैं, चलते हैं। ये सब लोग अपलाइन के सामने भक्त बनते हैं, कंपनी के सामने भक्त बनते हैं, और पीठ पीछे मुझे फोन कर करके बरगलाते थे कि सर आप चलो। और मैं जब इनकी चालबाजी समझा उसके बाद मैंने बोलना बंद कर दिया। झूठ बताऊं आपके, अभी तो झूठ तो बहुत बताऊंगा, मेरी गुजरात की टीम के अंदर आप गए, विक्रांत नारवाल जी गुजरात की टीम के अंदर गए, उन्होंने बोला सर एग्री का पिछले आप 1.5 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, एग्री का प्रोडक्ट आएगा। 1.5 साल हो गया आपको लोगों को बेवकूफ बनाते हुए, 2 महीने बाद आ जाएगा, 3 महीने बाद आ जाएगा, अब तो फसल बंद हो गई सर, अब आ जाएगा। 7 जुलाई को डेडलाइन देके आए थे मिस्टर विक्रांत नालवर और डीके सारन गुजरात टीम को, बोल के आए थे आप पेपर पे लिख लीजिए 7 जुलाई को एग्री का प्रोडक्ट आपके हाथ में होगा। क्या हुआ एनएलपी के अंदर? आई थी गुजरात की टीम, आए थे पूरे हिंदुस्तान से लीडर, आपने क्या बोला? आपने ये बोला कि सरकार ने पंजाब के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से जितने भी एग्री प्रोडक्ट बिकते हैं उन सबको बैन कर दिया है।
आगे धीरे धीरे सब स्टेट में बैन कर दिया जाएगा। इस वजह से हम एग्री का कभी भी प्रोडक्ट नहीं लाएंगे। हम कौन सा प्रोडक्ट लाएंगे, जो छोटे छोटे गमले आप लगाते हो उस गमले में फूल कैसे खिले उसका प्रोडक्ट लेके आएंगे। वाह साहब वाह, मैं अपने घर में गमला लगाता हूं तो अपने फूल को, उस फूल को बेच के क्या मैं पैसा कमाऊंगा? एग्री प्रोडक्ट से किसान की जब खेती बढ़ती है उसके घर में पैसा आता है। आप लाना नहीं चाहते एग्री प्रोडक्ट, आपने मना किया, आपने बोला सरकार ने मना कर दिया है। नई नई कंपनी खुल रही है, जिनको एक साल हुआ, जिनको छह महीने हुआ, जिनको आठ महीने हुए, जिनको दस महीने हुए, जिनको दो साल हुए, सर वो एग्री प्रोडक्ट दे रही है। आप हमेशा उल्लू बनाते आए हो लोगों को, अब ये आपका धंधा चलने वाला नहीं है। ये जो एथिक्स, ये जो इधर उधर की बातें करते हो, ये चलने वाला नहीं है। लोगों को मिसगाइड करना अब आपको बंद करना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा अगर मिसगाइड किसी कंपनी ने किया है तो वो के लाइफ केयर कंपनी। एक हफ्ते तैयार रहिए, मेरा जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अब लड़ाई आर पार की है, आपने बोला ना मैदान खुला हुआ है इंडस्ट्री सबके लिए, तो अब इंडस्ट्री सबके लिए। अप्रैल को बोला था एग्री प्रोडक्ट नहीं आए, कितने लीडर्स को जोड़ा आपने, एग्री के प्रोडक्ट आएंगे, टेबल पे बैठते थे पूछते थे सर एग्री का प्रोडक्ट कब, दो महीने बाद आ जाएगा सर। अरे आप बोलो ना नहीं आएगा, आज आप मना कर रहे हो। क्या वेस्टिज में एग्री का प्रोडक्ट नहीं आ रहा? क्या आरसीएम में वेस्टिज का एग्री का प्रोडक्ट नहीं आ रहा? क्या और जो कंपनी एग्री का प्रोडक्ट देती है उन्होंने बंद कर दिया अपने एग्री के प्रोडक्ट? अरे जब बंद होगा तब बंद हो जाएगा। अब कह रहे गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, कंपनी की फ्रंट लेग खुलेगी, ध्यान रखिए चार लेग से ज्यादा फ्रंट लेग खुलेगी। अब जो भी बड़े बड़े लीडर आएंगे वो हेलीकॉप्टर एंट्री होंगी, लिख लीजिए आप। और जितने भी सच्चे लीडर हैं भैया विद्रोह करो, आंदोलन करो। दो लेग का प्लान देख के आए थे, चार लेग का किया इन्होंने, ये कॉपी कर रहे हैं दुनिया को। हम चुप रहते हैं, हम लोग डर जाते हैं, डराते हैं। ये तो सेमिनार आते हैं, आप अगले सेमिनार में देखना, फिर आएंगे। फोटोग्राफरी बंद कर दो, वीडियो बंद कर दो, वीडियोग्राफर बनने आए हो क्या? इनके कैबिन में जाओ, वीडियो बंद करा देते हैं। और दूसरी कंपनी पे आप इल्जाम लगाते हो कि गौतम बाली तो हिंदुस्तान का नंबर वन कंपनी, तो अब कमरों के अंदर कैमरे बंद करा था, आपने लाइव देखी, आपने क्या बोला? कंपनी की पॉइंट वैल्यू पूरी क्रैश हो चुकी है। हम लोगों से तीसरी चौथी लेग खुलवा के अब कंपनी अपनी पॉइंट वैल्यू बढ़ाएगी। तो आज से मेरा ओके लाइफ केयर का सफर यही खत्म होता है। उन अपलाइन से संपर्क कीजिए जिनकी एक लेग अजय शर्मा चला के देता था, मिस्टर आदित्य कौल जिसकी एक लेग अजय शर्मा ने चला के दी, आज वो जहां बैठे हैं मेरी वजह से बैठे हैं, प्राउडली बोलता हूं। सोनम जायसवाल उसकी पूरी एक लेग मैंने चला के दी है। दीपा एंड प्रतीक एक लेग मैंने चला के दी है, इनकी टीमें देखो टूट रही हैं, टीमें छोड़ छोड़ के चली गई हैं इनको। इनके पे आउट देखो पिछले छह महीने के, दिखाए तो कोई छह महीने के पे आउट? जब पे आउट बढ़ रहा था पे आउट दिखा रहे थे, पिछले छह महीने के पे आउट डालो आप सब अपने सोशल मीडिया के ऊपर। दीपा एंड प्रतीक एक दिन हमारी टीम में आके मीटिंग दी हो तो करोड़ों का बिजनेस दिया मैंने, वीकर पे काम किया और वीकर में भी लोगों को सेटिंग दे दे के बुलाया, पैसे देंगे, और आज बेचारे छोड़ छोड़ के किसी दूसरी का दो महीने पैसे देते हैं और उसके बाद जब बंदा फंस जाता है उसके बाद हाथ खींच लेते हैं। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जिसको सुननी आ जाना। उसके ऊपर सोनम जायसवाल, उसके ऊपर अखिलेश जी, एक लाख का पूरा बिजनेस अजय शर्मा की वजह से आया। अजय शर्मा जिस दिन ओके लाइफ केयर में आया था एक महीने के अंदर प्रोडक्ट खत्म हो गए थे, और आज दीपा जी बोल रही हैं मेरी टीम को कल अजय शर्मा जी के जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आ रहे भैया सोनम जायसवाल की ऑडियो अगर वायरल कर दी ना तो आपको समझ में आ जाएगा, सोनम जायसवाल ने तो दो महीने पहले मेरी टीम में बोल दिया था अजय शर्मा जी छोड़ के जा रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और कंप्लेंट की थी मैंने कंपनी के अंदर, आपके सीईओ ने बोला था सोनम जायसवाल को बोलने की तमीज नहीं है, उसकी बातों को ध्यान से मत सुनो, क्यों प्रमोट करते हो ऐसे लीडर को। तो आज तक का मेरा सफर यही था। फिर से मैं आप सभी लोगों से, जितने भी वेस्टिजियन हैं, जितने भी मल्टीपल लेग के जो प्लान वाले हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा। हम इन लोगों के साथ आए, ये दो लेग का जनरेशन प्लान बता के इन्होंने लोगों को तोड़ा। आज बेचारे हमारे यहाँ पे क्राउन यूसीडी, अभी एक डीयूसीडी आए हैं बेचारे, मल्टीपल लेग देख के दो लेग के प्लान पे आए हैं, फंस गए बेचारे, अब मल्टीपल लेग करना पड़ेगा यहाँ पे। और अभी कुछ लीडर के मेरे पास फोन आए कि सर लाइव मत आना, ये मत करना सर, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी है सर। सोनम जायसवाल अभी पिछले महीने AWPL का एक लीडर आया हमारी कंपनी में, इनके 22 लाख रुपए महीना कमाने लीडर की बात बता रहा हूं मैं, सोनम जायसवाल की। क्या इनकी एजुकेशन है, क्या करते हैं ये? डीके सारन की ट्रेनिंग का एक दिन का पूरा पार्ट होता है कि दूसरी कंपनी के लीडर को कैसे तोड़ा जाए, उसकी ट्रेनिंग देते हैं पूरी चार घंटे की, स्पेशल ट्रेनिंग होती है दूसरी कंपनी के लीडर को कैसे तोड़ के लाया जाए। सोनम जायसवाल ने अभी पिछले महीने छत्तीसगढ़ में एक लीडर को ज्वाइन कराया अपनी सब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर,
वो फोटो वायरल की कि इस ग्रुप इस फोटो को वायरल करो, 50 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति हमारी कंपनी में, उसका चेक 1 लाख रुपए महीना है, और हेडलाइन क्या लिखी सोनम जायसवाल ने, 50 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति आरएमसीएल छोड़ के हमारी कंपनी में आ गया। एक आदमी जो 13-14 साल से काम कर रहा था सेफ शॉप से हमारी कंपनी के अंदर आ गया, उसको वायरल करवाया। जब आप AWPL का कोई लीडर आता है, उसके नीचे जितनी भी डाउनलाइंस होती हैं, क्या उनकी रोजी रोटी नहीं चलती? उनकी रोजी रोटी पे पैर नहीं पड़ता क्या? जब दूसरी कंपनी का कोई लीडर आता है, अभी जो वेस्टिज का लीडर आया DUCD, उसको आप फोटो खिंचवा रहे हो, DK सारन खुद खड़ा हुआ, और उसको वायरल करवा रहे हो कि इसको वायरल करो। उस DUCD के नीचे जब लाखों लोग जुड़े होंगे, क्या उनकी रोजी रोटी नहीं छिनती है? और ये बड़े शातिर लोग हैं, जब इनकी कंपनी में कोई लीडर आता है, अभी मैं बता रहा हूं, जो अभी पंजाब से जो DUCD आए हैं, हरियाणा से जो DUCD आए हैं, वो धड़ाधड़ लाइव बना रहे हैं, DK सारन एक बार नहीं रोकेगा उनको। जब 2-3-4 वीडियो वायरल हो जाती हैं, उसके बाद भगवान बन के आते हैं और उसके बाद बोलते हैं, भाई साहब ये काम हमारी कंपनी में आपने नहीं करना, प्लीज इस इंडस्ट्री को बचाना है, प्लीज हम गलत चीजों को प्रमोट नहीं करते हैं। अरे भैया, जो टेबल पे जब सेटिंग होती है, टेबल पे जब बैठते हो, 5-स्टार होटल के जब टिकट देते हो, फ्लाइट के जब उनको टिकट देते हो, जब उनसे बैठ के डील करते हो, उसी दिन टेबल पे बोलो, भाई साहब कंपनी में आना है तो आइए, लेकिन वीडियो नहीं बनाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, वो जो DUCD आया है, अगले हफ्ते अगले महीने उनको बोल दिया जाएगा, भाई साहब अब आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनको मालूम है उसने वीडियो बना दिया, वायरल हो गया, इनका काम हो गया, अब टूट टूट के लोग इनके पास आते हैं। मैं यहां से अनाउंस कर रहा हूं, ओके लाइफ केयर में आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, अगले एक हफ्ते इनके पुराने झूठ इनके सब लाइव से निकाल के लेके आऊंगा, इनके लीडर के जो DK ये अपने बनते हैं, अखिलेश जी क्या बोलते हैं, मैं मास्टरमाइंड हूं, क्या ट्रेनिंग देते हैं, सब कंपनियों के प्लान खोल के रख देंगे और सब प्लान की धज्जियां उड़ाएंगे। अखिलेश ने बोला था ना, हमारा प्लान क्रैश नहीं हो सकता, अखिलेश ने बोला था अगले 3 साल तक हमें अपनी पॉइंट वैल्यू 200 रुपए नहीं जाएगी, तो आज क्या जरूरत पड़ गई पॉइंट वैल्यू को बचाने के लिए, तीसरी चौथी लग खोलने के लिए, अब आप कह रहे हो मल्टीपल लैग पे काम करें। ये बड़े बड़े लीडर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका 15 लाख रुपए का चेक 7 लाख रुपए का रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, इनको मालूम है सब लोग नहीं जाएंगे, इनको मालूम है फिर नए लोग आएंगे, टोटली मिसगाइड कर रही है। और अभी इनके ऑफिस को लेके मेरे को एक न्यूज मिली है, जिस ऑफिस को ये अपना ऑफिस बनाते हैं, बताते हैं कि हमारा परचेज किया हुआ, हमारा ऑफिस कंपनी के नाम से ऑफिस है, वो ऑफिस कंपनी का है या किस तरीके से है, अभी मेरे पास सबूत आ जाए उसका भी पोस्टमार्टम हम करेंगे। जब ये न्यूज हमने सुनी और हम सोनम जी को बोल रहे हैं कि सोनम जी हमें पता लगा है कि आपका ऑफिस तो किराए का है, रेंट का है, ये अभी मैंने कहीं से सुना है, प्रूव आने के बाद आपको साबित करेंगे, तो सोनम जी के वर्ड थे, क्या हो गया किराए का ऑफिस है, कंपनी अपने टैक्स बचाने के लिए किराए का दिखाती है। वाह यार, ऐसी कौन सी कंपनी जो पूरी दुनिया को बदलने की बात कर रही है, मार्केट को बदलने की बात कर रही है, एक कदम आगे की बात कर रही है, अपनी इंडस्ट्री में सबसे बड़े चेक एथिकल की बात कर रही है, प्राउडली बताना चाहिए ना, हमारा खुद का ऑफिस है, यानी कि टैक्स चोरी कर रहे हो आप, टैक्स चोरी करने के लिए सोनम ये 22 लाख रुपए कमाने वाली के वर्ड है कि अजय जी इसमें क्या हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी अपना ऑफिस किराए में दिखाती है। वाह, तो दोस्तों ओके लाइफ केयर से आज मेरा कोई संबंध नहीं है, और तमाम वेस्टिजियन से, तमाम मल्टीपल वाले जो लीडर हैं, और तमाम वो लीडर जो मल्टीपल लेग से ओके लाइफ केयर में आए मेरी वीडियो देख के या मेरी टीम में आए, उन सब लोगों से अजय शर्मा हाथ जोड़ के माफी मांगता है, मैं गुनहगार हूं आपका, मैंने आपको धोखा दिया। ये आज 4 लाख का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इनका पहले दिन 4 लाख का प्लान था, शुरुआत में 4 लाख का प्लान था, अखिलेश जी आए, अखिलेश जी ने 2 लाख का प्लान कराया, आज फिर 4 लाख का प्लान हो गया, तो इनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप ये कह सकते हैं कि आपकी बात का भी क्या भरोसा किया जाता है, बिल्कुल, मैंने तो पहले भी बोला था जब जब सच्चाई होगी मैं आपके सामने रखूंगा। अब मेरा स्टैंड ये है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ चुका हूं, मैंने पहले डाल, इनको मालूम था कि अजय शर्मा ने डायरेक्ट सेलिंग दूसरी कंपनी में नहीं जाऊंगा, यह बोल दिया, अब इसका फायदा उठाओ जितना मर्जी, क्योंकि दूसरी कंपनी में तो जाएगा नहीं, तो बेनिफिट तो हमें रहेगा, क्योंकि ये दूसरी कंपनी करेगा नहीं, तो अभी मैं कोई दूसरी कंपनी नहीं कर रहा हूं, मैं अपना मोटिवेशन या अपना यूट्यूब या बहुत सारी कंपनी के मेरे पास कॉल आते हैं, उनके सेमिनार्स उनके ट्रेनिंग जो है मैं दूंगा। एवरी डे शाम को 9 बजे रात को आप मिलिए मेरे से, मेरे लाइव के अंदर, इनके शुरू से लेकर लाइव कितने झूठ इन्होंने बोले हैं, किस किस चीज के लिए इन्होंने झूठ बोले हैं, कैसे कैसे झूठ इन्होंने बोले, इनके लाइव के साथ डेट बताऊंगा, इस डेट को ये लाइव आया था ये व्यक्ति, चाहे मुझे एक हफ्ते इनके सारे लाइव दोबारा देखने पड़े, और सारे लाइव से पॉइंट निकाल के लेके आऊंगा, और आपको बताऊंगा कि कितना बड़े बड़े झूठ इन्होंने बोले हैं। और एक झूठ और बोला है, और एक बात ध्यान रखना, आज मेरे इस वीडियो से आपके बहुत फायदे होने वाले हैं, ये ध्यान रखना, ओके लाइफ केयर में बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। पिछले 1.5 साल से उल्लू बना रहे हैं, 2 साल से उल्लू बना रहे हैं, 24 लोगों की रोहतक के अंदर महाराजा होटल के अंदर मीटिंग करी इन्होंने, रात को
डिनर कराया इन्होंने और वहां पे इन्होंने सबको झूठ बोला कि 5-4 करोड़ रुपए मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं ऑनलाइन प्रोडक्ट भेजने के सिस्टम पे, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट हमारे घर में आते हैं, बस आप ऑर्डर दीजिए प्लीज हो जाएगा। कब बोला? पिछले लॉकडाउन से पहले मार्च के अंदर बोला ये झूठ, 4 करोड़ रुपए मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं और अगले महीने से प्रोडक्ट जो है आएंगे। 1.5 साल हो गया साहब, एक नई कंपनी खुलती है ना लोगों के घर प्रोडक्ट पहुंचते हैं, क्यों लोगों को उल्लू बना रहे हो? ये बड़े बड़े लीडर उल्लू बना रहे हैं आपको, ऐसी कंपनी जिसके अंदर आज तक ऑनलाइन प्रोडक्ट की सुविधा शुरू नहीं हुई, आज तक वेबसाइट आप नहीं बना पाए, पहली एनिवर्सरी में आपने ढोल नगाड़े के साथ बोला था ये देखिए वेबसाइट क्या पेज है, ऐसी वेबसाइट नहीं होगी, 2 पेज दिखा दिए जो मैं कंप्यूटर बैठ के बना दूंगा, आज तक वो वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई है। ऐसी कंपनी देखिए बगैर वेबसाइट के हम 3 साल से काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनी देखिए बगैर कैटलॉग के हम 3 साल से काम कर रहे हैं, एक बार वो कैटलॉग भेज दी सुपर एक्टिव एंड अवाओ को, उसके बाद कैटलॉग का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, दूर दूर तक जिक्र नहीं है साहब। तो सीधी सी बात मैं आपके सामने एक रखने जा रहा हूं कि इनका ना वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट भी बनाएंगे और इन्होंने एक वादा किया है 1,000 लोगों के सामने, 5 सितंबर ही बोला ना, 5 सितंबर को हमारा ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो रहा है, 5 सितंबर को घर घर प्रोडक्ट पहुंचेंगे, याद रखना 5 सितंबर, 5 सितंबर को 1,000 लीटर के सामने बोला था, 5 सितंबर लिख लीजिए, 5 सितंबर से ऑनलाइन प्रोडक्ट घर घर जाना शुरू हो जाए, भेजिए 5 सितंबर को। ये मैंने जानबूझ के इसलिए बोला है कि अगर ये नहीं कर पाए तो ये लोगों को मिसगाइड करते हैं ऐसे प्रोग्राम में बुला के, और अगर इन्होंने कर दिया तो मेरी वजह से ओके लाइफ केयर का फायदा होने वाला है। और क्यों हमारे पिछले कई महीनों से बिजनेस डाउन गए, क्यों मेरा चेक 7 लाख रुपए से टूट के 2 लाख रुपए पे आया, क्यों सोनम जायसवाल का चेक 22 लाख रुपए से 10 लाख रुपए पे आया, और क्यों हमारे पे आउट टूटे सबके, 42 लाख रुपए का चेक आज कितने का दिखाइए अखिलेश जी लाके, 17 से 20 लाख रुपए का चेक नहीं होगा इस महीने, दिखा देना, आपने तो बोला ना 10 तारीख को, अखिलेश जी की बात को सुन लेना, अखिलेश जी ने तो कल बोला है जब तक प्लान नहीं होता, प्लान को प्लान ना समझे जब तक पे आउट नहीं आया, इसका मतलब अभी तक प्लान नहीं है, ध्यान रखिए अभी पे आउट आना बाकी है। सबके चेक डाउन हो गए सितंबर महीने से, लगातार चेक डाउन क्यों हुए जो इन्होंने एनिवर्सरी में हमें बताया, एक एमडी को कभी खड़े होकर नहीं बताना चाहिए, ये इस इंडस्ट्री के हमारे गुनहगार हैं, इनकी कार्यशैली की वजह से हमारे पे आउट डाउन गए। इन्होंने क्या बोला था उस लाइव के अंदर कि सबके पे आउट क्यों डाउन हुए, मेरी वजह से डाउन हुए, क्यों लोगों के पे आउट, इन्होंने 4-5 बातें जो रखी, अगले लाइव में मैं वो आपको बताने जा रहा हूं। मैं किसी के कमेंट का जवाब, आप जो मर्जी लिखिए, मैं किसी का कमेंट का जवाब देने वाला नहीं हूं, तो मेरा स्टैंड क्लियर है, आज से मैं ओके लाइफ केयर को छोड़ रहा हूं बहुत सोच समझ के। और खासकर रिक्वेस्ट है सेंटर्स वालों से, जो ओके लाइफ केयर के सेंटर्स लेते हैं, बहुत ध्यान रखना, इतने लोगों को हमने सेंटर खुलवाए, पहले ये बोलते थे टेबल पे बैठ के कि सर हम 100% प्रोडक्ट वापस ले लेंगे, कितने सेंटर वाले फंस गए इनके चक्कर में, आज ये कहते हैं सर हम तो 1 महीने का वापस लेंगे, यानी कि 5 लाख का आपने सेंटर लिया, इसी महीने वापस करने हैं तो वापस हो जाएंगे, अगले महीने 2 लाख का सामान बिका आपका, 3 लाख का सामान अगर सेंटर पे आपका रह गया है और अगले महीने अगर 1 लाख का सामान आपने मंगाया तो 1 लाख का वापस होगा, 3 लाख का सामान ये कभी भी वापस नहीं करेंगे, ये सेंटर्स को फंसा रहे हैं। इनकी पॉलिसीज हैं कहां, रिटर्न में पॉलिसीज दिखाइए ना मेरे को इनकी, ये क्यों कैटलॉग लॉन्च नहीं करते, ये क्यों बुक्स लॉन्च नहीं करते, क्योंकि उनको टर्म्स एंड कंडीशन लिख के देनी पड़ेगी, इन्होंने ना सेंटर्स की टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है, ना इन्होंने हमारे को लिखित रूप में डिस्ट्रीब्यूटर की कंडीशन दे रखी है। और अब तैयार रहिए, जो जो इनकी बातों से खुश नहीं होगा उनकी आईडी ब्लॉक होगी, उनकी आईडी टर्मिनेट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वेल विशेष तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं गारंटी बोल रहा हूं 3 महीने बाद बात करेंगे, 3 महीने में उन्होंने बोला, 3 महीने में हम तो अरे भैया मार्केट आज तक एमवे नहीं बदल पाई, मार्केट आज तक बाबा रामदेव नहीं बदल पाया, मार्केट हिंदुस्तान लीवर नहीं बदल पाया, आप मार्केट बदल दो, क्या बच्चों जैसी बातें करते हो, मार्केट ही बदल देंगे हम पूरी की पूरी, वाह इमोशनली गेम खेलते हैं आप बहुत बढ़िया, वहां पे महाभारत और पता नहीं क्या क्या कहानी किससे आप सुनाते हैं, ऐसे मार्केट नहीं बदलती, मार्केट बदलती अपनी आइडियोलॉजी, आप अपनी आपकी नीयत खराब हो चुकी है, आप अपनी आइडियोलॉजी से भटक चुके हैं, आप 2 लाख से 4 लाख के प्लान पे आ गए, हेलीकॉप्टर एंट्री भी होगी, आप बल्क बाइंग भी होगी, उसकी भी तैयारी आपने कर ली है। तो 1 हफ्ते तक रोज रात को 9 बजे मेरे से आप कनेक्ट होना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कीजिए, क्योंकि लोग बचें ऐसी कंपनी में जुड़ने से और ऐसे लीडर के साथ जुड़ने से जो लोगों को मिसगाइड करते हैं और लोगों के साथ झूठ बोलते हैं। इनको बुलाइए, इनको बोलिए पिछले 6 महीने के, आज भी आदित्य कौल 6 लाख रुपए महीने का पे आउट बताता है, बताइए आज भी 6 लाख रुपए महीने का पे आउट बताता है, कब आया था भाई 6 लाख रुपए का पे आउट? अजय शर्मा ने सबकी 1 लाख चला के दी थी तब सबका पे आउट आया था, अब दिखाता हूं कैसे पे आउट आएगा, अब दिखाता हूं कैसे पे आउट आएगा। मैं शांत बैठा था भाई अपने घर में, मैंने बोला था मुझे मत छेड़ना,
लेकिन आज आपका पूरा, आज भी सेमिनार दिया आपने, एक दिन में सेमिनार हो गया आपका। चलिए बहुत सारी बातें हैं, नेक्स्ट लाइव के अंदर करेंगे लगातार 6 दिन तक, 7 दिन तक मैं आपके साथ रहूंगा रात को 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।